वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों, परमानेंट वैकेंसी लेकर आ चुका हूं। WBMSC की तरफ से नर्स की भर्ती निकाली गई है मेडिकल ऑफिसर के लिए, स्टाफ नर्स के लिए। इसके अलावा विभिन्न पदों पर जो है यह भर्ती बिल्कुल परमानेंट जॉब निकाली गई है सभी राज्यों के लिए। नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग 21 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में आपको क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, फीस, सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए हम आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो आप सभी जो हैं इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी जो कि SC में रखी गई है। लेवल 16 के अंतर्गत आपको सैलरी मिलेगी। 18 to 37 ईयर्स जो है यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। 1 जनवरी 2020 को आपकी जो एज है काउंट की जाएगी। इसमें MBBS डिग्री वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही PG वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखिए, स्टाफ नर्स के लिए भर्ती निकाली गई है। 3 वैकेंसी स्टाफ नर्स में निकाली गई है। ST के लिए एक वैकेंसी, OBC A के लिए एक वैकेंसी, OBC B के लिए एक वैकेंसी। लेवल 8 के अंतर्गत सैलरी मिलने वाली है। 18 to 39 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है, जिसमें OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC और ST वालों को 5 वर्ष की दोस्तों छूट मिलने वाली है। हम आपको बता दें बिल्कुल परमानेंट है, सभी राज्यों के लिए भर्ती निकाली गई है। स्टाफ नर्स में जो है GNM वाली अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें मिडवाइफेरी फ्रॉम नर्सिंग काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल या इक्वलेंट, तो यह सभी राज्यों के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आपने जो है GNM कर रखा है और फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप लोग स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकती हो, परमानेंट पोस्ट है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी SC में रखी गई है। इसमें डिग्री वाले जो कि फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री है या डेयरी टेक्नोलॉजी में डिग्री है या बायो टेक्नोलॉजी में डिग्री है, तो आप सभी लोग जो हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये भर्ती जो है वेस्ट बंगाल म्यूनसिपल सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई है। जॉब लोकेशन कोलकाता होने वाला है, यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है। वेस्ट बंगाल म्यूनसिपल सर्विस कमीशन, बोस रोड, AGC बोस रोड, कोलकाता, पिन कोड यहाँ पे दिया गया है 7000014। तो दोस्तों, जॉब लोकेशन जो है आपका कोलकाता होने वाला है और यह भर्ती वेस्ट बंगाल की तरफ से निकाली गई है। ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नोटिफिकेशन का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाएगी। परमानेंट पोस्ट है, आपको बार बार बोल रहा हूं नीचे कमेंट मत करना। देखो, नीचे आप लोगों को बता दूं तो आपका जो है यहां पे रिटर्न एग्जाम होगा। इसका जो सिलेबस है यह ऑफिशियली वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं की गई है। जैसे ही ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, मैं वीडियो बना दूंगा। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर लग रही है, जिसमें हम आपको बता दें कि देखिए, नीचे बोला गया है UR एंड OBC के लिए A&B दोनों मिला के 150 रुपये लग रही है और 50 रुपये जो है प्रोसेसिंग चार्ज लग रही है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे लगने वाला है, जिसमें कुल 150 प्लस 50 प्लस 20 रुपये, 220 रुपये जो है यहाँ पे, सॉरी 220 रुपये जो है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है चलान के माध्यम से लगने वाला है। आपको बैंक में डिपॉजिट करना है, उसके बाद जो उसका चालान है आपको फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त उस चालान को देना है। तो ऑनलाइन जो है आप लोगों को करना है, ऑनलाइन ही है या ऑफलाइन नहीं है, लेकिन जो फीस पेमेंट है यह ऑफलाइन है। और नीचे यहाँ पे देखिए, जिसमें SC ST and PH कैंडिडेट के लिए 50 रुपये बोला गया है प्लस 20 रुपये यहाँ पर बोला गया, 70 रुपये जो है यहाँ पर लगने वाला है SC ST PH के लिए, बाकी 220 रुपये UR and OBC के लिए लग रही है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि देखिए, नीचे बोला गया है कि आपको यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड द सेम टू बी डिपॉजिट अकाउंट नंबर दिया गया है। ये अकाउंट नंबर दी गई है और बैंक का नेम दिया गया है। इस पर आप लोगों को जो जमा करके जो फीस पेमेंट है, आपको यहाँ पे चालान ले लेना है और उसके बाद जो चालान है आपका आप डिपॉजिट कर सकते हैं।
कब, जब आप फॉर्म को जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस वक्त आपको जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। और फॉर्म जो है आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। डेट मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे डेट जो है 21/12/2020 रखी गई है। 21 दिसंबर 2020 तक जो है फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीस है यह ऑफलाइन मोड है। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगी। और भी कोई जानकारी चाहते हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं बता दूँ यह परमानेंट पोस्ट है, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को ज़रूर भरिए।